हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो भाई इस वाले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गोप्रो के बारे में कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप गोप्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं एकदम क्लियर भाई बताने वाला हूँ कि 10,000 के अंदर आप गोप्रो लेना चाहते हैं कि नहीं। मैं भी भाई गोप्रो के चक्कर में था, मैंने मोटो ब्लॉग जब स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा कि गोप्रो ले लूँ, बट मैंने लिया नहीं भाई। ये मेरा फ्रेंड का गोप्रो है, मैंने उससे उधार मांगा है भाई, तो मैं इसका क्वालिटी बताता हूँ भाई, ठीक है। तो ये भाई 10,000 का गोप्रो है भाई, प्लूटो प्लस के नाम से ये गोप्रो आता है भाई। 8,000 का गोप्रो है, हाँ 8,000 का गोप्रो और प्लूटो प्लस के नाम से आता है भाई। और इसका भाई तुम आप क्वालिटी देखोगे ना भाई, तो 8,000 के रेंज में इसका क्वालिटी है ही नहीं। आपको याद होगा एक लाइफ का मोबाइल आया था भाई, ठीक है। लाइफ के मोबाइल में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था भाई, एकदम हूबहू भाई वही कैमरा दिया ही है इसमें। तो मैं इसका आपको बाहर जाकर इसका आपको व्यू दिखा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मैं सच बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। तो अभी मेरा गोप्रो जैसे कि देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहां पे तो कुछ खास इसको फर्क पड़ नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बाकी अभी बाहर चलते हैं और बाहर चल के इसका देखते हैं कि कैसा ये क्वालिटी देता है। तो फ्रेंड्स एक बार आप इसका लुक देख लो, सामने से कुछ ऐसे दिखता है, बाकी पीछे से ऐसे दिखता है। बाकी देखने में ये एक्शन कैमरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बस थोड़ा सा ये क्वालिटी में मार खाता है, बाकी ऐसा मतलब कि नॉर्मल में बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड ये जो आप मतलब कि व्यू देख रहे हो ये हो रहा है मतलब मेरे एक्शन कैमरा से। तो आप देख सकते हैं कि एक्शन कैमरा का क्या कुछ इस तरह का क्वालिटी आपको मिलेगा। तो आप क्वालिटी देखिए, मैं आप थोड़ा थोड़ा आसमान देख लीजिए, बाकी ये रहे। बाकी वो अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो 4K में 30 FPS पे, यानी 4K या 30 FPS देता है। तो मैं फुल पे जो जितना मतलब इसका कैपेबिलिटी है मैं इसे फुल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं 4K 30 FPS में रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो बाकी आपका यही जो वाइड एंगल आपको यही मिल जाएगा, बाकी बच्चे खेल रहे हैं शायद आपको अच्छे से दिख सकें, ठीक है। तो अभी थोड़ा शाम का भी टाइम हो गया जिस कारण से ऐसा हो सकता है। बाकी देखो इसका क्वालिटी कुछ इस तरीके से है। बात रहे भाई ये गोप्रो लेने की, तो मैं कहूँगा भाई अगर आपके पास 10,000 है ना, अगर आप 10,000 में सोच रहे हो कि भाई एक अच्छा सा गोप्रो ले लूँ, तो भाई भूल ही जाओ, गोप्रो भाई नहीं हो पाएगा। मतलब एक्शन कैमरा जो भी आप एक्शन कैमरा, ठीक है। तो ये 10,000 के रेंज में अगर आपके पास 10,000 है तो आप समझना कि आप पैसे बर्बाद कर रहे हो। मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि भाई 10,000 के अंदर कोई भी गोप्रो मत लेना। तो ये फ्लिपकार्ट पे दिखाते रहते हैं ना, फ्लिपकार्ट वाले भी मतलब वो 2,000 4,000 वो भी मत लेना भाई। पैसा अगर ज़्यादा है तो फिर लेना है, तो पैसा बर्बाद है भाई, सामान एकदम बेकार है। 10,000 के रेंज में ये बहुत ही घटिया, अगर लो तो भाई 20 से एवा भी लो, 20K के एवा भी लो तो अच्छा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।